जैनब का केस हुआ था तो उसके बाद हमारे पास काफी छोटे बच्चियां आना शुरू हो गई थी, मगर जब अभी ये मोटरवे का सानिया हुआ है इसके बाद तो जो मदर्स हैं उन्होंने खुद भी आना शुरू कर दिया। डिफेंस सीखने की मेरी वजह यही है कि मैं लोगों को बता सकूं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, हम इतने वीक नहीं हैं कि कोई भी आए और हमें कुछ भी कह के चला जाए। तो बेसिकली मैं अपने बच्चों के लिए ही यहाँ पे आई थी, उनको सिखाने के लिए कि वो भी माहौल के साथ साथ जैसे जैसे हालात हैं उनके साथ साथ वो अपने आप को सेव करना सीख सके। तो यहाँ पे आके उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप क्यों नहीं कर लेते जो वेट करना बच्चों के साथ बैठ के, तो आप ही अपने आप को सेव करने के लिए सेल्फ डिफेंस के बारे में सर ने मुझे कहा कि आप वो सीखें। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा जैसे है कि मैं जैसे अपने बच्चों को खुद प्रोटेक्ट कर सकूं, इसे उनको सिखाने के साथ साथ मैं खुद भी अपने आप को भी सिखा रही हूँ यहाँ। मेरा नाम अल्ताफ खान है और ये हमारी एकेडमी जो है ये लाहौर में वॉल्टन कैंट एरिया में है। जैनब का केस हुआ था तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी छोटे बच्चियाँ आना शुरू हो गई थी, जो मदर्स हैं उनको थोड़ा शौक है कि बच्चियों को भी लाजमी करना चाहिए, मगर जब अभी ये मोटरवे का सानिया हुआ है इसके बाद तो जो मदर्स हैं उन्होंने खुद भी आना शुरू कर दिया। जो वेट लूज कर रही थी यहाँ मेरे पास, उन्होंने कहा सर हमें सेल्फ डिफेंस भी सिखाएं, हम आपकी बात पहले नहीं समझते थे, अब हमें समझ आया है कि हमारे साथ भी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वह इस एनवायरनमेंट में गर्ल्स सेफ नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है कि रोड पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी यही डर होता है कि अभी हमें कोई कुछ कहेगा, कोई इस तरह का हमें मजाक करेगा या किसी ना किसी तरीके से हमें तंग ज़रूर करेगा। तब मैंने किया था ऐसे ही कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने रोड पर ही लड़के को थप्पड़ मार दिया था स्कूल गोइंग, शॉक शूट से ही था मुझे, पर मेरे फादर ने तब तो मुझे कोई एक्शन नहीं लेने दिया कि नहीं करना या नहीं करना। तो शादी के बाद मैंने अपना कर लिया, ये बच्चों को सिखाते सिखाते मैंने खुद को भी सिखा लिया। और हमारे पास यहाँ 3 साल से लेके 50 साल तक लोग आते हैं और हमारे पास काफ़ी मेल फीमेल्स भी हैं जो सेल्फ डिफेंस भी सीख रहे हैं, अपना वेट भी लूज़ कर रहे हैं, फिज़िकली फिट भी हो रहे हैं और अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं डिफरेंट मार्शल आर्ट्स के इवेंटों में। पर पहले तो मैं सीखने यहाँ पे सेल्फ डिफेंस आई थी, फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया ये स्पोर्ट्स के अंदर ये, क्योंकि मुझे सेल्फ डिफेंस के साथ साथ इसमें शौक मुझे बचपन से था करने का, तो मैं इसको आगे एज अ करियर कंटिन्यू करूँगी। उनको हम हाथों से लड़ना भी सिखा रहे हैं, नाइफ से लड़ना भी सिखा रहे हैं, किसी को कभी खुदा न खासा पिस्टल आपको तान ले तो उससे भी बचना सिखा रहे हैं, स्टिक से बचना सिखा रहे हैं, कोई आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए किसी मार्केट जाते हुए आपको तंग करे तो उससे भी निपटना जानना, ये भी उनको सिखा रहे हैं। जी मैंने बहुत सारी नेशनल्स खेली हुई है, एक इंटरनेशनल भी खेली हुई है, अलग अलग स्पोर्ट्स में खेली है, बॉक्सिंग, किकबॉक्सिंग, वुशु, मुई थाई, स्वाते, और जो नेशनल हुई थी एक पिशावर में नेशनल गेम्स हुई थी ओलंपिक की वो मैंने खेली, क्वेटा में वुशु की चैंपियनशिप थी वो भी मैंने खेली हुई है, लाहौर में ये MMA का मिक्स मार्शल आर्ट इवेंट हुआ था वो भी मैंने खेला हुआ, काफी सारे गोल्ड मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने विन किए। ये सीखे गए स्किल को कभी आपने प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया है, कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया? नहीं अभी आया तो नहीं है लाइफ में, वो शायद लोगों को अंदाजा हो जाता है देखकर भी कि नहीं अभी ये इस तरह से नहीं, इतना आसान नहीं है कि आप किसी को भी कुछ कह सको, लेकिन ये कि अगर आया तो इंशाल्लाह जरूर मैं इसको अप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माटी टीवी को फॉलो करें। थैंक यू।